हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। सो गाइस, आज है दशहरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर, जो कि हल्द्वानी में है। नवरात्रि में नहीं जा पाए थे, हमें मौका ही नहीं मिल पाया। आज मोहित का ऑफ है तो हमने सोचा आज होके आते हैं। बहुत ज़्यादा रश भी रहता है वहाँ पर नवरात्रि में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माना हुआ मंदिर है वो शीतला माता का। हल्द्वानी से शायद 5-6 किलोमीटर ही आगे है, मैंने कुछ इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे जैसे जैसा पता चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे है, कितनी दूर है, क्या है, और बाकी आपको पूरा ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। बस अब हम लोग नहाएंगे धोएंगे और तैयार होंगे। 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे एक छोटा सा शूट करना था, वो मैंने नहाने से पहले ही कर लिया, तो इसलिए देखिए मैं लिपस्टिक वगैरह लग रही है तो मैंने वो कम्प्लीट किया था। उसके बाद ये लोग भी उठ गए, अब हम लोग बस नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे। तो मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलूंगी। और चीकू भी उठ के आ गया है, और ये देखिए क्या कर रहा है। ए चीकू, क्या कर रहे हो तुम? हैं, क्या कर रहे हो? मेकअप, मम्मा का मेकअप छू रहे हो? मेकअप करके जाओगे मंदिर? वो तो मम्मा करके जाएगी ना बेटा, बॉयज नहीं करते हैं। रख दो चलो इसको। हाँ, बॉयज नहीं करते हैं, बॉयज नहीं करते हैं ना। टॉयज नहीं बॉयज, यार टॉयज नहीं बॉयज, मेकअप नहीं करते हैं, ओनली गर्ल्स करती हैं। तो आप इसको रख दो, ये ब्यूटी ब्लेंडर ही चबा जाता है मेरा तो हर बार, इसकी वजह से मुझे हर बार नया मंगाना पड़ता है। और आप सो के आए हो, आपके बाल, आज चीकू का हेयर कट भी होना है, तो बस उसके पापा लेके जाएंगे हेयर कट कराने के लिए उसको, और मम्मा तब तक रेडी हो जाएगी, है ना। फिर हम लोग घूमने जाएंगे मंदिर। सो गाइज, मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ तैयार होने के बाद। चीकू, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये पहन के देख रहे हो? ठीक है, पहनो पहनो ठीक है। देखो उसकी मम्मी क्या कर रही है, चलना है नहीं चलना? हाँ बस तैयार हूँ, या सो जाऊँ? मुझे तो नींद आ रही है अभी से। हाँ सो दो, चलना है बस, दुपट्टा पहन कर। कितने बज गए? 11 बज गए। 11 बजने में 10 मिनट, ठीक है। 11 बजे मंदिर जा रहे हैं, 11 बजे निकल रहे हैं, हम पहुंचेंगे कम से कम 12 बजे तक। बारह बजे भगवान थोड़ा आराम लेते हैं, एक दो घंटे का, तो हल्द्वानी घूम लेंगे अगर बंद हो गया हुआ। ठीक है, मैं हो गई रेडी, बिल्कुल ठीक लग रही है, बहुत खूबसूरत। अभी तो कुछ और कह रहे थे ब्लॉग में, कुछ और कह रहा है कितनी भी तैयार हो ना लगोगी ऐसी, अब कह रहा है बहुत खूबसूरत। चलो पहनाता हूँ, पहनो पहनो, आप तो खुद पहनो। हाँ हाँ पहनो पहनो, मैं अच्छा अच्छा ला ला पहनाता हूँ, ऐसे रुको 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 रुको, ऊपर मुंह करो, ऊपर ऊपर करो, इधर देखो, इधर ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऐसे थोड़ी ऊपर तो देखो, एक हाथ बेटा, एक हाथ से कैसे बनाओ, रुको पहनना भी है, रुको। आहा वाह, देखो चीकू कितना खुश हो गया, देखो 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 इधर देखो, वाह। हाय करो, सबसे हाय करो, ऊपर ऐसे करो, हाय हाय करो। गाइस, हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बस निकल रहे हैं, और इतने लेट हो गए, चीकू का हेयर कट भी नहीं कराया, अब शाम को आके कराएंगे। मोहित मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, मैं बस निकल ही रही हूँ। और प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहना, ताकि मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ कि कैसे क्या है। एंड गाइज, हम वेट कर रहे हैं मैं और चीकू उसके पापा का, उनको बाहर निकलते ही गर्मी लगाई, बूलन पहन के आए, मैंने मना करा बूलन मत पहनो, इतनी ठंड नहीं आई है अभी। अब गए हैं बाहर निकल के, बोले यार बड़ी तेज़ धूप है, मैं ना टी शर्ट लेके आता हूँ। अब गए हैं, हम वेट कर रहे हैं धूप में खड़े होकर। खैर मैं साइड में खड़ी हो गई हूँ, ऐसे ही है इनकी हरकतें, पता ना कितनी ठंड लगती है, इनका मन करा ना तो अभी से गर्म पजामे पहनने लगे। अरे यार आ जाओ, खाना चेंज करके आ रहे हैं या लेके आ रहे हैं। चीकू को मैंने चीज़ दिला दी इतनी देर में, चॉकलेट वगैरह, क्योंकि वो बाइक पे बैठेगा नहीं इन सब के बिना। हो गया क्या करा फिर? आ जाओ देखो चेंज कराए, क्यों भूलन ना पहन के, स्वेटर वो पहन लेते, उसके ऊपर तो बहुत ठंड लगेगी, अंदर आ गए कोहरा है, पहाड़ों पर तो कोहरा मिलेगा, सच में स्वेटर पहनना था। चलो चलो गाइस, ये देखिए बिल्कुल जंगली रास्ता है हल्द्वानी जाने का, करीब 10 किलोमीटर के करीब इतना ऐसा ही रास्ता है, ये मेन रास्ता है, और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं।
बिल्कुल फोन इस टाइम डब्बा हो रखा है हमारा, तो हमने सोचा चलो ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। और चीकू मजे से आगे बैठा है, मैं उनको आराम से बैठती हूँ, पीछे बैग है बस मेरे पास जिसमें चीकू की बस बॉटल वगैरह और पानी वगैरह उसके खाने पीने की थोड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि उसका तो इतना सामान लेके जाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल जंगल है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज हम लोग मंदिर आ चुके हैं और हम हल्द्वानी आए थे, हल्द्वानी से काठ गोदाम। ये मंदिर जो है काठ गोदाम में है, हल्द्वानी से 8 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर है लगभग, तो काठ गोदाम में है ये मंदिर। और हम लोग पहाड़ पर यानी कि ऊंचाई पे आ चुके हैं। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहना तो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। चीज को पता रो रहा है क्योंकि यहाँ पर टॉयज और प्रसाद वगैरह की शॉप है, तो उसको लग रहा है कि मैं टॉयज खरीदूंगा, तो वो रो रहा है। तो उसके पापा उसको टॉयज दिखा रहे हैं, सॉरी दिला रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, दिला रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत अच्छा सा व्यू है। बाकी अभी थोड़ा सा हमें चल के जाना है मंदिर जाने के लिए, तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, चीकू के पापा से टॉयज दिला रहे हैं। क्या लिया चीकू, क्या लिया चीकू ने, क्या लिया, क्या लिया, टॉयज कार, यार बड़ा कार का दीवाना है लड़का। क्या लिया, टॉयज, क्या करोगे तुम ऐसी कार का बेटा, ऐसी तो कार तो बहुत रखी है। अच्छा चलाएगा उनको ऐसा, ये यहाँ पर ऐसी कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, तो चीकू टॉयज खरीद रहा है। मेन गेट वो है आने का, हम लोग घर से आए हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, हमें तो सांस फूलने लगी अकेले, और वो बेचारे चीकू को लेके चल रहे हैं, अभी उतारा है। ओह माय गॉड, थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद ही जाएंगे, वैसे ज्यादा चढ़ाई नहीं है, आदत नहीं रही हम। चलो चलो अभी तो काफी दूर है। अरे चलना, हाँ कार इधर चला लो, यहाँ चला लो कार, चलाओ कार चलाओ। हाँ वो घर समझ रहा है इसको, देखो कार चलाना है। चलो घर पे चलाएंगे, यहाँ सही नहीं है। चलो चलो ऊपर ऊपर चलाएंगे, ऊपर है। गाइस फाइनली वो सामने मंदिर दिख रहा है, तो हम पहुंच गए। अच्छी खासी मतलब चढ़ाई है, मतलब इतना कम भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है, चलना पड़ा थोड़ा सा। तो वो सामने मंदिर है, बस हम लोग मंदिर के नजदीक आ ही गए हैं, बाकी अब हम लोग जाके दर्शन करेंगे माता रानी के। चीकू को यहाँ रुक के कार चलानी है, वो इतना शोर मचा रहा है कि मुझे कार ही चलानी है, इसलिए अभी हम रुके हुए हैं और उसको हमने कार चलाने का मौका दिया है ताकि वो अच्छे से कार चला सके और हमारे दर्शन हो जाए शांति से। चलाओ कार, इस रोड पे कार चल जाएगी तुम्हारी, घर समझ जाएंगे तुम हैं क्यों। हाँ कार चलाओ, चलाओ 5 मिनट का टाइम चला लो। आप ही हैंड वॉश करोगे चीकू, ये बंद नहीं होगा, ऐसे बेहतर है ना। हाँ कितना वेस्ट जा रहा है, हाँ लगा होना चाहिए ना कुछ यहाँ पे। हाँ वही, हाँ जहाँ से आ रहा है वही जा रहा होगा, ये हाँ वही है ना। चलो आराम से दर्शन करो, नवरात्रि में ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ
चलो जी, चलो चलो, जय जय मंदिर, आओ, जय माता दी, जय माता दी। आओ चिकू, चलो अंदर चलो, पापा के साथ जाएगा वो, आएगा। भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ की। जय श्री मां, जय श्री मां। ठीक है, यही रहो पापा के पास। क्या कह रहा प्रसाद? प्रसाद, थैंक यू तो बोल दो भैया को। भैया से एक प्रसाद मांग रहा था तो उन्होंने इसको प्रसाद की थैली दे दी है, वो खाने के लिए मांग रहा था उनसे। चलो कोई बात नहीं, खा लो। गाइस, ये है पूरा मंदिर शीतला माता का। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जंगल में है और बहुत शांति थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज फिर भी थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन नवरात्रि में शायद बहुत भीड़ होगी। और ये दोनों यहाँ बैठे हैं, चीकू प्रसाद खा रहा है एंड उसके पापा बैठे हैं, कह रहे थे शांति में बैठूंगा मैं थोड़ा सा मंदिर में। अच्छी बात है। यस बॉस। टीकू खाली इसने पूरी थैली? जय माता की। पूरी थैली खाली? मुझे खिला दिया कुछ खाली। प्रसाद मिल गया तुम लोगों को तो, प्रसाद खा लिया तुमने? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। ये देखिए गाइस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है यहाँ की। कहते हैं सच्चे मन से जो मांगो वो पूरा होता है। माता रानी मेरी मनोकामना पूरी करें, आप लोगों की भी पूरी करें। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ना, इसलिए बहुत ज्यादा मान्यता है यहाँ की। पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे का भी व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है पीछे की साइड भी मंदिर है। ओके, भोलेनाथ का मंदिर है पीछे। बाकी इधर नारियल वगैरह पड़े हुए हैं, पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं हम चीकू के पास। चीकू चले, चलो पहाड़ जाने का रास्ता है ये, तो हम देख के आते हैं कि इधर क्या है। ओ इधर गार्डन सा है, मतलब कितना अच्छा है यार, गार्डन टाइप का है गाइस। यहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना पीना खा सकते हो। लोग बैठे हैं यहाँ खाना पीना खा रहे हैं। हमें भी लेके आना चाहिए था, हम नहीं लेके आए यार, गलती हो गई। कुछ खाने के लिए लेके आते, मतलब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद पिकनिक की तरह भी यहाँ पर, मतलब अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो पिकनिक भी यहाँ मनाने के लिए, क्योंकि अच्छा है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। आराम से बैठो, खाओ, बातें करो, पिक क्लिक कराओ, वीडियोस बनाओ, तो काफी अच्छा है। एंड हम लोग यहाँ चेयर्स वगैरह भी पड़ी हैं, तो हम बैठ गए हैं यहाँ पर। और चीकू को यहाँ खेलने के लिए जगह मिल गई है, उसको तो ऐसा ही स्पेस चाहिए, तो वो भी खेल लेगा थोड़ी देर। हम बैठे हैं फिलहाल, थोड़ी देर बैठते हैं। चेयर कह रहा, चेयर, एक चेयर चाहिए चीकू को। अच्छा, क्या चेयर चाहिए? अच्छा लगा ये है, ऑनलाइन मंगाया है, पता है अभी
अच्छी लग रही है मुझे भी, मतलब पर्पल सा कलर है, अच्छा लग रहा है। पहली बार लगाया ये कलर। हाँ ये कलर ना लगाया नहीं है, मतलब ऑनलाइन मंगाने में ना थोड़ा सा यही रहता है कि शेड कैसा आया, बट ये शेड मुझे पसंद आया। ये जेड एन की जो लिपस्टिक थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो ही है। और इतनी सस्ती यार, इतनी भी सस्ती नहीं थी लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। कितने की ये? 450 की आई थी। ना यार 450 की ना थी, सस्ती थी। कितने की भी थी? अरे यार 150 की थी मात्र, ऑनलाइन मंगाई मैंने अभी सेल में। वैसे ये 600 रुपए प्रिंट था, इसका एमआरपी 600 रुपए थी। कौन सी कंपनी की? जेड। लोकल तो नहीं लगाती? लोकल नहीं है, लिपस्टिक में ब्रांड ही लगाती, लिपस्टिक में लगाती। ब्रांड आता डेढ़ सौ ब्रांड नहीं आता, लेकिन उसमें एमआरपी जो 599 थी 600। एमआरपी तो तुम 1299 डाल दो, ये भी कोई बात है? ऐसे कैसे डाल दोगे? ऐसे ना डाल सकते, लोकल पे पहले था एमआरपी ना आती है डली। अच्छा तुम ब्रांड बताओ, ब्रांड कौन सा था? जेडन, जेडन का, जेडन की लिपस्टिक थी वो। तुम जानते हो लिपस्टिक के ब्रांड बताना जरा, चार बता दो मुझे। बताना ये जो लिपस्टिक बता रही है वाकई में कोई ब्रांड है या नहीं है? हाँ कमेंट कर देना यार, बता दे एक बार ब्रांड बताओ। जेडन लोकल फ्लिपकार्ट पे, मैं भी लोकल है ना, लोकल नहीं है। चलो खत्म करो। दशहरा का दिन था इसीलिए रास्ते में कई जगह भंडारे हो रहे थे, तो हमने ये मौका छोड़ा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमने भंडारे का खाना नहीं खाया था, तो हमने रुक के फिर भंडारा खाया। वहीं पर पास ही में सागर रत्ना था तो हम लोग वहाँ गए थे। वैसे हमें वहीं जाना था बट सागर रत्ना के बिल्कुल पास में ही भंडारा हो रहा था, तो हमने कहा चलो पहले भगवान का प्रसाद ही खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सागर रत्ना गए। हम लोग बैठे हैं सागर रत्ना में। सुना है सागर रत्ना का डोसा जो है बहुत ज्यादा फेमस होता है, तो हमने कहा खाते हुए जरूर जाएंगे क्योंकि पहले हम दर्शन कराए थे उसके बाद हम लौट रहे हैं, तो ये रास्ते में ही पड़ा था। रुद्रपुर में नहीं था इसलिए हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं कैसा है यहाँ का डोसा। बाकी हमने अभी भंडारे की पूड़ी खा ली थी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम भंडारा कब खाया था, वो भी आलू की सब्जी के साथ पूड़ियां और चना और क्या था हलवा था, बहुत ज्यादा टेस्टी था। मेरा आधे से ज्यादा पेट भर चुका है बट मैंने कहा चलो एक दो सा ट्राई कर लो मोहित कैसा है यहाँ का, तो इसलिए हम लोग आ गए। जस्ट सागर रत्ना के बाहर ही हो रहा था भंडारा, तो हमने इसलिए खा लिया वरना शायद नहीं भी रोकते ये। तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, सच में मुझे भंडारा खाना बहुत पसंद है क्योंकि उसकी जो सब्जी होती है ना आलू की, ओ माई गॉड अल्टीमेट यार, इतनी टेस्टी होती है कि क्या ही बताऊं। और क्या कह रहे हैं अब हम डोसा ट्राई करेंगे, उसके बाद हम घर निकलेंगे क्योंकि पहले से कितने साढ़े तीन बज रहे हैं। हाँ एग्जैक्ट 3:30 बज रहे हैं इस टाइम, वो हमें पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा घर, तो इसलिए बस हम खा के और निकल रहे हैं। और मोहित जो है वो देख रहे हैं कौन सा डोसा मंगाएं। मोहित पूछ रहे हैं कि यहाँ का स्पेशल क्या है, तो उन्होंने कहा कि चीज डोसा यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है और टेस्टी भी। तो हमने कहा कि मसाला डोसा पनीर वनीर ये सारा खाया है, चीज मंगा के देखते हैं। और सच में गाइस मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया था चीज़ वाला डोसा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
करीब शाम के 5 बजे हम लोग घर आ गए थे और फिर शाम को 7 बजे के करीब हम लोग रावण देखने गए थे, जो कि हम पहुँचे तो वो जल गया था। हमें बहुत अफसोस हुआ कि हमारे आने से पहले ही रावण जल गया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट कोई बात नहीं, रावण जल के राख हो गया। और अब हम इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर दे रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठ के हम लोग चले गए थे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।